इसके लिए तो हम सभी झारखंड वासियों को धन्यवाद करना चाहते हैं और प्लस माता रानी को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जन्म से लेकर के अभी तक उनको साथ दे रही है माँ और आगे देते रहे, यही मेरा शुभकामना है। और बेटी दामाद दोनों का बहुत अच्छा है। हाँ, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। पहले तो हमारे पास एक खिलाड़ी था और अभी तो दो खिलाड़ी है, तो अभी ज्यादा कॉन्फिडेंस है और दोनों का साथ कॉन्फिडेंस आगे रंग लाएगा। और आगे क्या लगता है कि टोक्यो का ओलंपिक है? हाँ, जरूर वो लोग लाएगा पदक, मैं तो उम्मीद है कि आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा। ये आप लोग तो बहुत संघर्ष करके इन लोगों को पढ़ाया लिखाया आगे बढ़ाया, उस दिन को सोचने से कैसा लगता है? देखिए, जो बीते समय थे वो आज भी हम हैं, है ना। ये नहीं कि मेरा चेंजिंग हो गया है, सो नहीं है, बट क्या है कि बस इतने हम भगवान से दुआ करते हैं कि बाल बच्चा बस आगे बढ़े, हम लोग का नाम रोशन करे। उन दिनों में बहुत कहाँ कहाँ जाना पड़ता था, एक ऑटो का सहारा था आपका, आर्थिक भी तंगी रहती थी। वो तो सब था, हल्का मतलब था, नहीं था सो बात में, जिसमें छोटी थी तो जॉब भी था पर पेमेंट नहीं था, पेमेंट बहुत कम थी और जो कि उसकी डिमांड था उसको हम लोग पूरा कर नहीं पाते थे, पर इधर उधर से एडजस्ट कर करके उसको पूरा किया जाता था। और दूसरी बात रह गया कि अर्जुन मुंडा हमने बहुत साथ दिया, हर पग पग पर उन्होंने साथ दिया, इसीलिए उसको कदम आगे बढ़ते भी गया। और साथ में उनकी कोच जो भी हैं, सारे कोच जो पूर्णिमा, धर्मेंद्र और सुमन सर, ये जितने भी कोच थे, बचपन से उसको बहुत हेल्प किया और आगे की ओर बढ़ाया। और साथ में उनको मीरा मुंडा का धन्यवाद देते हैं जो कि उनका हर जगह कदम रहा है। आगे क्या उम्मीद करते हैं? आगे हम यही उम्मीद करते हैं कि बेटी दामाद दोनों ओलंपिक में मेडल लाएगी।